सावली तालुका के लामड़ापुरा गांव की कैनाल से एक विधवा महिला की लाश हत्या की हुई हालत में बरामद होने से कई तरह की अटकलों ने जोर पकड़ा है, जहां महिला की मृत्यु होने के साथ उसका 8 साल का पुत्र भी निराधार बना है। सावली तालुका के लामड़ापुरा से समलया की ओर गुजरती वैसी कैनाल में देर रात हत्या की हुई लाश एक महिला की बरामद होने से कई तरह की अटकलों ने जोर पकड़ा है। वडोदरा जिला के उमरेड तालुका के भरोड़ा गांव में अतुल अशोक जाला की शादी वर्ष 2011 में हंसाबेन के साथ हुई थी, तो वहीं अतुल जाला को व्यसन की आदत होने के कारण हंसाबेन ने उसे तंग आकर अपने मायके में रहती थी, तो वही एक महीने पहले ही अपने पति वैसे अतुल भाई की मृत्यु हुई, जिसके बाद हंसाबेन अलिंद्रा जीआईडीसी में नौकरी करती थी। देर रात हंसाबेन नौकरी से वापस नहीं आने के साथ परिवार द्वारा उसकी तलाशी छानबीन जारी की गई। दौरान मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आते हुए कंपनी की ओर से जानकारी प्राप्त हुई कि हंसाबेन वक्त पर ही शाम 5:30 बजे के आसपास कंपनी से छूटने के बाद घर की ओर निकल पड़ी। दौरान कैनाल से लड़की की चाकू से हत्या की हुई लाश बरामद होने से परिवार भी घटनास्थल पर दौड़ा चला आया, तो वहीं हंसाबेन के मृतदेह पर गले पर किसी के द्वारा चाकू से हमला कर मौत के घाट उतारने का पता चलते हुए बाद तत्काल रूप से पुलिस को जानकारी दी गई, तो वहीं पुलिस ने मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए सघन तहकीकात का दौर जारी किया है, जिसमें अनजान हत्यारे ने विधवा महिला की हत्या कर लाश को फेंक देने से कई तरह की अटकलें बनी हैं। जो ये हत्या की घटना के साथ मृतक महिला का 8 साल का पुत्र भी एक बार फिर निराधार बना था। एक महीने पहले ही पिता का छत्र घुमाने के बाद अब माता भी मौत के घाट उतरते हुए अब 8 साल का पुत्र अनाथ बनते हुए स्थानिक विस्तार में कई तरह की अटकलों ने जोर पकड़ा था। पुलिस स्टेशन में पप्पू भाई अशोक भाई जाला के जो मूल रहवासी है उमरेट जिल्लो आणंद ना फरियाद आपी थी कि तेमना भाई अतुल भाई नी धर्मपत्नी विधवा हंसाबेन नू कोई व्यक्ति समलया जती केनाल ऊपर दातारपुरा गामनी सीमा चप्पूना घा झीकी अने मौत निपजावेल छे। जे अन्वये जाणवा मळेल ते मुजब आ बनाव सांजना 6 થી 7 ની વચ્ચે બનવા પામેલ છે અને આ હંસાબેન બીજી એક કંપનીમાં પણ કામ કરતા હતા અને સાંજના લગભગ 5:30 ની આસપાસ કંપનીમાંથી છૂટી અને તેઓ ઘરે પરત ન હતા આવ્યા અને આ સ્થળેથી એમનો છરીના ઘા ઝીકેલી હાલતમાં એમનો મૃતદેહ મળેલો, જે અન્વયે તાત્કાલિક ફરિયાદ દાખલ કરી સાવલી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી કર્મચારી તેમજ જિલ્લાની LCB તથા SOGએ અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને આરોપીને શોધી કાઢવા માટેની તજવીજ હાથ ધરી છે।